वेलकम टू माय चैनल लगने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शो के होस्ट के बारे में, गौतम गुलाटी के बारे में। मैंने दो दिन पहले एक रिव्यू वीडियो में कहा था कि शायद मतलब इस शो में भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहां पे रोस्टिंग हो, जैसे वीकेंड के वार में होती थी वैसे ही फ्राइडे का कुछ वार शार कुछ ऐसा कुछ हो जाए और फिर वो देखने में थोड़ा मजा आ जाए। मैंने नाम लिया था सिद्धार्थ शुक्ला का कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई अगर आए और अच्छा खासा ग्रिलिंग करें तो उनके वो वाला मजा आएगा। क्यों मैंने इन्हीं लोगों का नाम लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रियल में आते, रश्मि का नहीं बोल सकते, अगर माहिरा आती तो वो रियल में बोलती क्योंकि उनके उनके कनेक्शंस या जो कुछ भी स्ट्रांग बॉन्डिंग वाले लोग हैं वो अंदर है। तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ रियल बोलते, वैसे भी बिग बॉस के अंदर वो रियल थे, जो भी है मुंह फट मुंह पे बोल के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के वो खाली हो जाते थे। बट होस्ट हमें मिले हैं गौतम गुलाटी जी। तो गौतम गुलाटी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, जैसे मैंने प्रोमो देखा या जो कुछ भी, मुझे लगा यार धमाकेदार, मतलब अच्छे खासे बोलेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि सबसे ज्यादा फेक, मतलब वो थ्रू आउट सबको इसको फेक उसको फेक वगैरह सब कुछ बोल रहे थे राइट, बट मुझे सबसे ज्यादा फेक गौतम गुलाटी जी लगे आज के शो में। मतलब लिटरली वो स्टाइल मारने की कोशिश कर रहे, स्टाइल मारे जा रहे, स्टाइल मार ओवर एक्ट कर रहे हैं, डायलॉग मारने की कोशिश कर रहे, लाइक सलमान सर बनने की कोशिश कर रहे थे वो। बट सलमान सर सिर्फ एक है, अगर आप गौतम गुलाटी ही होस्ट करते तो ज्यादा मजा आता। वैसे ग्रिलिंग अच्छी की, ठीक ठाक की, क्योंकि ये जरूरी था ताकि शहनाज और उन लोगों को भी पता चले कि कहाँ पे लैकिंग है, इट्स फाइन। बट जो स्टाइल मारने की कोशिश कर रहे हैं या ओवर एक्ट करने की कोशिश कर रहे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, मतलब मुझे खुद को खुशी नहीं हो रही थी वो चीजें देख के एक्चुअल में। फिर मैं बात करूंगी वो जो फोटो वाला जो भी टास्क हुआ था उसके बारे में। तो फोटो वाले टास्क में भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि पारस और लड़कियों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी थी, चाहे वो कोई भी लड़की नवदीश ही क्यों ना हो या हीना जिसके साथ उनका सबसे कम इंटरेक्शन था वो ही क्यों ना हो या कोई भी, उनका इंटरेक्शन काफी ज्यादा मतलब फोटोशूट में दिख के आ रहा था केमिस्ट्री। शहनाज का तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि शहनाज इन लोगों के साथ कोशिश नहीं कर रही। मैंने पहले भी बोला था, कल भी मैंने रिव्यू में बोला था कि शहनाज की जगह कोई ऐसे लाते जिसको शादी करनी है या जो इंटरेस्ट लेगा कि लड़का मेरे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऑल दोज मतलब वो सारी चीजों का ध्यान रखता। जैसे कि अगर आरती होती या मैं बोलूं रश्मि देसाई होती या और कौन लड़कियां थी घर के अंदर जो शादी करना, दलजीत भी थे जो शादी करना चाहते थे और कौन, मतलब ऐसा कोई किसी को लाते तो थोड़ा मजा आ जाता। ओके, शहनाज तो खुद ही बोल रही मेरा दिल कहीं और है, उसका रोज दिल का हाल जब वो टीवी पे आता था इट वाज लाइक कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा ये है, मेरे को याद आ रही है एंड ऑल दैट, नहीं क्या। तो कहीं ना कहीं इस वजह से तो क्लियर है कि शहनाज को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं और वो क्लियरली दिख के भी आ रहा है केमिस्ट्री में हो या कुछ भी हो। अगर मैं बोलूं कि कौन से लड़के उसके लिए एफर्ट्स ले रहे तो मेरे को इंदीप दिखते हैं, बलराज कहीं ना कहीं खुश रखने की कोशिश करते हैं बट बलराज भी कहीं ना कहीं अंकिता के साथ ज्यादा मतलब रहते हैं बट शहनाज को खुश रखने की एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं। फिर मैं बात करूं मोहित इस्त्री करके देते हैं, वो प्रेस करके देते हैं कपड़ों को बस, उसके अलावा वो जसलीन के ऊपर अटके हुए हैं वैसे देखा जाए तो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा एफर्ट ले रहे हैं बट शहनाज की तरफ से उनको एफर्ट नहीं मिल रहा है, शायद वो सिद्धार्थ शुक्ला से डर रहे हो गए या क्या, कांट से एनीथिंग। तो इस वजह से उनके एफर्ट्स भी नहीं दिख रहे, शहनाज के तो जीरो एफर्ट्स दिख रहे। लाइक गौतम गुलाटी ने खुद ने बोल दिया था कि पारस की तरफ से बहुत दिख रहा है, आपके तरफ से जीरो है शो में भी और एवरीवेयर, क्योंकि हम लोग के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा किससे होंगे, ऑफ कोर्स शहनाज से होंगे क्योंकि शहनाज इज व्हाट वी से एंटरटेनमेंट क्वीन बोला था हमने उनको, फिर कुछ ना कुछ करती रहती है, इनोसेंट है, ये है वो है, हमने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमने लगा रखे थे शहनाज से। बट उल्टा हो गया था कि पारस ने बहुत सारे चीजों में मतलब उनका भी भार ध्यान है, वो भी मायरा के साथ, हम स्टोरीज कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनका भी मायरा के साथ फोटोज रहता है, शूट चालू है, गाना आने वाला है उनका राइट। बट कहीं ना कहीं फिर भी पारस इंटरेस्ट ले रहे हैं शो में और शहनाज बिल्कुल नहीं ले रही। शहनाज ने आज यहां तक ये भी कह दिया कि वन साइडेड है, हाँ है, क्योंकि गौतम गुलाटी ने बोल दिया कि सिद्धार्थ ना यहाँ पे आने वाला है ना बाहर, तो इट्स लाइक कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला शो में नहीं आने वाले या डायरेक्टली बाहर ही, लाइक लिटरली ऐसे ही होने वाला है। पता नहीं स्क्रिप्टेड भी हो सकता है शो, लाइक रियालिटी शो काइंड ऑफ तो नहीं लग रहा है बट लेट्स सी क्या होगा। तो यहाँ पे शहनाज ने ऑलरेडी कह दिया कि हाँ वन साइडेड है और मैं करूंगी, मेरा दिल है मैं करूंगी दोस्ती, उसके तरफ से दोस्ती, पता नहीं है वो छुपा रहा है या मन में क्या है वो बोलना नहीं चाहता एंड ऑल दोज थिंग्स। तो
फिर भी शहनाज उस डिसीजन को बहुत ही अच्छे से ले रही है, फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से लेके अपने दिल में रख रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं बात करूंगी जसलीन के बारे में। जसलीन, मैं हमेशा कह रही हूँ कि मुझे वो हमेशा से फेक ही लगती आ रही है, मैंने उसको बिग बॉस में देखा है, कहीं ना कहीं वो भी रिश्ते आगे बढ़ने के लिए करती है, बहुत सी चीजें मैंने देखी कि उसके मुझे फेक लगती है, जैसे कि आनु सर के साथ वो आई थी वो भी फेक था, शिवाशीष वगैरह उनके फ्रेंडशिप वगैरह मुझे कुछ ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं लगा, और मयूर के साथ भी जो कुछ भी है मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब रियल नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं पता नहीं अभी क्या होगा बट अभी तक तो रियल नहीं लग रहा है। और जैसे वो खुद भड़क रही है, जैसे कि बलराज का टॉपिक जैसे आते टाइम उन्होंने खुद बोला कि ये कबाब में हड्डी था, वहां पे तो किसी ने भाव नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमारे बीच में आके बैठ गया था, हम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी, वहां पे कोई उसको पूछ नहीं रहा था, शहनाज तो अपने मेकअप और सिद्धार्थ के साथ लग गई थी फिर उसको कोई पूछ नहीं। अरे गाइज, उसको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो सिद्धार्थ के साथ थी या जो कुछ भी थी, जब आप चिढ़ा रहे हो तो आप बहुत अच्छे, मतलब आपको लगता है हाँ मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं तो डायरेक्ट हूं, मैं तो मुंह पे बोलती हूं, ऑल दैट थिंग जो जसलीन को लग रहा है एक्चुअली। और जब जसलीन को किसी ने कुछ बोल दिया तो तू क्यों चढ़ रहा है, तू क्यों बोल रहा है, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, लाइक मुझे जसलीन खुद फ्रस्ट्रेटेड लगी थ्रू आउट, जैसे वो चढ़ रही थी, जैसे वो बोल रही थी उसके मेकअप के ऊपर बोल दिया जा तू मेकअप कर, तो वो चढ़ गई थी कि मेरा मेकअप मेरा बाप रख के देता है एंड ऑल दोस थिंग्स, और तू क्या है सबसे पॉइजनस आदमी तू है, बलराज तो सबसे ज्यादा पॉइजनस है एंड ऑल दैट, शायद बलराज ही जसलीन को भाव नहीं देता होगा एंड उसके वजह से जसलीन को वो पॉइजनस लगता है, लाइक पॉइजनस कहीं पे भी नहीं लग रहा है, बट जसलीन भी जानबूझ के चढ़ने की कोशिश कहीं ना कहीं करती है, जैसे गलरानी के ऊपर भी वो चढ़ गई। हाँ, गलरानी के भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, जसलीन का एक कॉन्ट्रोवर्सी था अनूप सर के साथ जो भी है, बट गलरानी के भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, और गलरानी ने मुझे लगता है आधे से ज्यादा टाइम दूसरों पे रिसर्च करने पे लगाया कि किसका क्या पास्ट है, किसने क्या किया है, कौन किधर था और किसने क्या बोला था, एंड ये सारी रिसर्च करने में उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया है गलरानी जी ने, तो यहाँ पे उन्होंने वापस कंट्रोवर्सी की बात की, बोलते बोलते इतनी गलत हो जाती है ना गलरानी बहुत ज्यादा, और फिर बाद में वो सॉरी बोलने आ जाती, मेरा वो मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, जबकि आपने ज्यादा काम किया है राइट अकॉर्डिंग टू यू कि मैं स्ट्रगलर नहीं हूँ, नवदीश को जरूरत है एंड ऑल दैट, एंड आपने मीडिया भी शायद ज्यादा फेस किया होगा तो यू शुड नो ना कैसे बात करना चाहिए, द वे यू टॉक इज नॉट गुड। हाँ, जसलीन भी चढ़ जाती है, जसलीन का बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद है, और जानबूझ के चढ़ने की कोशिश करी, शायद उन लोगों को बताया गया होगा कि बाबा टीआरपी कम आ रही है, बाबा कुछ करो, तुम लोगों को घर पे रखा है मैंने, हम लोगों ने, प्लीज कुछ करो नहीं तो शो बंद करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के चढ़ते हुए दिखाई दिए। और मयूर और जसलीन दोनों मिलके चढ़ते हुए भी दिखाई दिए मुझे संजना के ऊपर, और संजना कहीं ना कहीं साइडलाइन भी होते हुए दिखाई दिए, तो ये ऐसे जब ये लोग किसी एक को टारगेट करते ना वो टारगेट को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि बाहर वो थोड़े से बेचारे लग जाते हैं राइट, और कोई वोटिंग कर भी रहा है या नहीं इनको, मतलब मुझसे शादी करोगे, मैं तो नहीं कर रही, कोई कर रहा है वोटिंग बॉटम टू में मयांक और इंदीप थे, तो इंदीप की अगर मैं बात करूं चलो वो फेक हो गया जो कुछ भी हो गया, घर में मुझे कोई ज्यादा रियल नहीं लग रहा है रोहन प्रीत के अलावा, बेचारा वो रियल है इसलिए वो दिख भी नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो। तो इंदीप की बात अगर करें तो इंदीप एटलीस्ट मेहनत करता है शहनाज का दिल जीतने का या उसके लिए चीजें करने का, बहुत सी चीजें वो करते हैं, बट ऑन अदर हैंड मयांक डॉक्टर की बात करें अगर, तो कल उन्होंने खुद को अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला से सबसे पहले तो कैसे कंपेयर किया मैं वो सोच रही हूँ, एंड सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आज सीधा बोल दिया कि एफर्ट्स हमको शहनाज की तरफ से बहुत कम लग रहे हैं, शहनाज भी बात करने की कोशिश नहीं करी, शहनाज भी कुछ कोशिश नहीं करी, ऐसे मयांक ने कह दिया, उन्होंने हाथ तक उठा लिया और ये कह दिया कि मैं रिजेक्ट करता हूं। जैसे गौतम सर ने पूछा, गौतम गुलाटी ने पूछा कि कोई और रिजेक्ट करना चाहता है शहनाज को अपने तरफ से, अगर शहनाज ऐसी रही तो उन्होंने हाथ उठा दिया, तो यहाँ पे वो क्लियरली उनका एक माइंड उन्होंने बिठा लिया है कि मुझे शहनाज से नहीं कुछ करना है, या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं लेने वाली क्योंकि दोनों भी गलत है। मुझे शहनाज भी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि यार आप एफर्ट्स लो, आपका शो है, आपके नाम पे बनाया हुआ है, क्योंकि लोगों को या बिग बॉस या एंडोमॉल टीम को ऐसा था कि शहनाज एक एंटरटेनमेंट क्वीन है, वो शो को इतना सब कुछ दे सकती है, और जब आप नहीं दे रहे हो तो आप लोगों को तो डिसअपॉइंट कर ही रहे हो, हम लोगों को डिसअपॉइंट कर ही रहे हो, अंदर घर में जो लड़के उन लोगों को भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करो। ऊपर से मयांक की बात करो तो उनका भी बात करने का तरीका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, गौतम सर ने तो आज सीधा सीधा शहनाज को कह दिया ये आपका शो नहीं है,
जैसे शहनाज हमेशा बोलती है मेरा शो है, ये मेरा शो है, तो ये आपका शो नहीं है। बट शहनाज का कहना शायद वो होगा कि नाम शहनाज का है, बट ये शहनाज का शो नहीं है, तो शहनाज को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी हमने अगर देखा जाए तो पूरा शो का फॉर्मेट चेंज होने वाला है कहीं ना कहीं। यहाँ पे वो नए टास्क करने वाले शायद, और फिर फॉर्मेट चेंज होने वाला है। वक्त को हमें लेना पड़ेगा, मतलब वक्त कमाना पड़ेगा पारस और शहनाज का। मतलब पारस और शहनाज शायद घर के अंदर नहीं रहेंगे, उनका वक्त कमाने के लिए इन कंटेस्टेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शायद। एंड दिस इज द न्यू फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट कितना काम में आएगा अभी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शो ऐसा हाई लेवल पे नहीं जा रहा था। मेरा वही कहना था कि जैसे वीकेंड का वार होता है वैसे फ्राइडे पे वार कराओ, सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाओ, थोड़ा टीआरपी मिल जाएगा, क्योंकि टीआरपी मशीन है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला। बट वैसा तो कुछ हो नहीं पाया। अंकिता आज दिखे नहीं, आज कोई एलिमिनेशन हुआ नहीं, अंकिता शायद बीमार है इसलिए वो नहीं दिखे, उनका एलिमिनेशन नहीं हो पाया। मयूर की बात करूं तो मयूर भी लग गए कहीं ना कहीं जसलीन के साथ, फिर भी मयूर सेफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंटेंट की बात है, आप शहनाज को पटाओ, किसी और को पटाओ, आप कुछ कैमरा आपके आपने ऊपर ला रहे हो, आप कंटेंट दे रहे हो, लोगों को आप पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप बचते जा रहे हो, क्योंकि वोटिंग कोई कर भी रहा है या नहीं मुझे बिल्कुल पता है ही नहीं। तो ये था कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शहनाज ने थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि पारस की भी भार है मायरा, बट पारस इंटरेस्ट ले रहा है, पारस कोशिशें कर रहा है, टास्क लड़कियां उसके लिए कर रही है, लड़ाइयाँ कर रही है। गलरानी के बारे में कल तक वो ऐसा था, बट आज उन्होंने बोला कि वो ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, इस वजह से वो ये सारी चीजें कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो सबको इन्वॉल्व किया है उन्होंने, सारे पांचों के पांचों लड़कियों को कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, वो हमें दिखते हैं कैमरा पे। और अगर मैं शहनाज के साइड से बात करूं तो वो आपस में बात करते हुए दिखाई देंगे लड़के, या किसी और लड़की के साथ बात करते हुए दिखाई देंगे, बट शहनाज के साथ बैठ के डीप कॉन्वर्जेशन या जोड़ी बनाने की कोशिश करना इज वेरी रेयर, मुझे ऐसे लग रहा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं आती हूँ रोज रिव्यू वीडियोस के साथ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मी आलेच, हाँ बाय।